So what is up guys? आज हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं किसी कांतिलांगसो, किसी कांतिलांगसो नहीं, ये अपना ही जगह का है, अपने ही कार्बी आंगलोंग के अंदर आता है कांतिलांगसो वाटरफॉल ऑफ कार्बी आंगलोंग। तो चलिए आप सबको कांतिलांगसो दिखाते हैं। एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं किसी खास व्लॉग के लिए, जो मुमकिन है वो दिखाएंगे, जो नामुमकिन है वो भी हम आप सबको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और सबको देखते दिखाते रहिएगा एक दूसरे को। तो चलिए मिलते हैं, तो नहीं मिलते रहेंगे, रास्ते रास्ते मिलते रहेंगे, जब तक फॉल नहीं आ जाता तब तक मिलेंगे। ओके चलिए, नाउ वे इन द पेट्रोल पम्प, दिस इज द कर्मचारी ऑफ द पेट्रोल पम्प, अच्छी पहचान है, तेल भर के जाएंगे पूरा फुल। ओके सो पेट्रोल भर लिया है, अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, उसे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो रास्ता आ जाए, मतलब वाटरफॉल आ जाए। चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। गाइस उस तरफ पूरा बादल काला है, मतलब पूरा पहाड़ी काला हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाला उस तरफ, तो हमें लगता है बहुत एडवेंचर मिलेगा हमें वहाँ। वो कहते हैं ना दोस्तों, दूर से जितना सुंदर दिखता है नज़दीक से उतना ही भयानक होता है। तो आज हमारे साथ वही होने वाला है, हम भयानक तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा, देखिए। एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द कांतिलांगसो वाटरफॉल, पिछली बार हम यहाँ से चले गए थे, अभी हम लोग आज यहाँ से जाएंगे, इस तरफ से है। सो फ्रेंड्स वी आर इन द मिडिल ऑफ द पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के भीतर अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, चलिए जल्दी चलते हैं। और देखिए पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा है, हम पहाड़ों के बीच से होके जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों कि आप सबको हमारे, मतलब हम पे बारिश का हमला हो सकता है, और लीजिए दोस्तों हो गया, हल्की सी बूंदाबांदी नहीं, बहुत सारा बूंदाबांदी हो रहा है यहाँ पे। शायद आप लोग को मेरी आवाज़ ना आ रहा हो हवा की वजह से, लेकिन हम भीगने वाले हैं बहुत जल्द। दिस इज द रेट लिस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे एडल्ट्स के लिए 20 रुपये, चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपये, फिल्म एंड वीडियो शूटिंग रेस 1000 रुपया, डिजिटल कैमरा 200, बस एंड ट्रक्स कितना, 200 नहीं नहीं, ओहो महंगा है। आप सब ने देख लिया, तो चलिए अंदर चलते हैं। और सो भी अपन ने ले लिया है एंट्री पास, जो अपने को पड़ा 90 रुपया, मतलब गाड़ी का 50 रुपया और अपन दोनों का 20-20, 70-80-90। नेचर को देखने के लिए भी पैसा देना पड़ता है आजकल, क्या जमाना आ गया। और ये लो हम लोग आ गए अंदर। दिनों बाद वापस आए, मगज मस्ती करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, यहाँ पे नहाना मना है और पीना मना है, जो हम पियेंगे नहीं लेकिन नहाएंगे, रूल्स तोड़ेंगे हम आज। सो गाइस सभी हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है, हमें इधर से होके जाना है, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क कर दिया है, इस द बर्मा मेंदाधारी वाला, उस दिन जो ब्लॉग में देखा था वही है। और मैं द आर के, द वन एंड ओनली आर के, द वन एंड ओनली आर के बोलने में मिस्टेक हो गया, सॉरी, लेकिन हंसिएगा मत। वाह, एक बार फिर से कहता हूँ, मैं इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे के अंदर फिर से कैद हो गया एक और बार वीडियो के अंदर। ले वाओ, अपन लोग पहाड़ों के बीच, लेकिन यहाँ पे बूंदाबांदी चल रहा है, फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं, नो बूंदाबांदी प्रोटेक्शन, विथ ओनली वन GoPro जो मेरा वाटरप्रूफ है, जेब में कुछ पैसे पड़े हैं और एक मोबाइल, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है मुझे, मुझे तो वहाँ तक जाना है और 2-3 बार गा धो के आना है, मतलब नहाना है, उस पर रूल तोड़ेंगे दोस्तों, अगर अरेस्ट होना है तो अरेस्ट होके जाएंगे, नहीं क्या करेंगे, अरेस्ट तो नहीं करेंगे वो लोग, बस
एक दो बार डांटेंगे, अरे क्या हो गया, निकलो यहाँ से, नहाने को मना किया था, ऐसा बोलेंगे। हम क्या करें, ओ सॉरी हमने अच्छे से नहीं सुना था, हम ऐसा बोलेंगे। माइंड इट, रन रन, समबडी इज पीछे मी। थक गया यार, भागना नहीं चाहिए था। ईशा चल लिए, अभी भी 1 किलोमीटर लाइक चलना बाकी है, इतना दूर। वाह किसी ने बाइक लाया यहाँ पे, नो ट्री नो मैनकाइंड, सच ही है, पेड़ पौधे नहीं तो हम भी नहीं, हम सांस कैसे लेंगे भाई। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी बहुत छोटा होने वाला है, जब बड़ा होता है तब आ नहीं सकते, मतलब आ नहीं सकते नहीं, आया नहीं, कहीं और थे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ना कितना छोटा पानी है, इतनी हल्का सा बूंदाबांदी चल रहा है, बेकार में बारिश में बेकार में भीगने आ गए, नहीं आए, हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे फॉल पे गा धोना है, फॉल के नाव से। हंदी सिस्ता धोला सोदी अब्रिज, धोला सोदी, ये कांति लांगसो ब्रिज है। अरे इतना छोटा पानी, मतलब पानी ही नहीं है, देखिए ना कितना छोटा होगा। लॉस हो गया, लॉस बहुत बड़ा लॉस, लॉस तो नहीं हुआ, हम फूल रहे हैं। देखिए 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 देखिए, एकदम पहाड़ के बीच में ये जगह, पहाड़ों के एकदम बीच में, दिस इज स्थित इन खरबी अंगलोंग देनगांव। वाह व्हाट्स द आर्ट, ये खरबी अंगलोंग देनगांव के अंदर पड़ता है। बाथिंग नियर वाटरफॉल इज स्ट्रिक्टली फॉर हैबिटेट, ओह यस, एंड हियर वी गो, हियर वी गो, वी आर गोइंग टू सी इट। आप सबको दिख रहा होगा कि नहीं, हाय, एक दो तीन, आय हाय दिख गया, क्या ना कि इतना छोटा पानी। फिर भी क्या करें, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं इस फॉल पे आ गया, आप सब भी आइएगा एक दिन, वहाँ पे कुछ मंदिर वंदिर है, यहाँ से कहीं, ओ यहाँ से एक रास्ता है शायद, कहीं जाता होगा, जाना पड़ेगा कभी आके यहाँ पे। हाय हाय कितना छोटा पानी है, फिर से साइन देख लिया, क्या यार कुछ मरा है शायद, बहुत सड़ा सड़ा गंदा रहा है। एंड नाउ, एंड नाउ, सड़ा सड़ा गंदा रहा है ना, कुछ मरा है, कुछ तो मरा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अपना वस्त्र उतार लिया है, वस्त्र लेकिन कुछ बहुत खराब स्मेल आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं कुछ मरा है यहाँ पे। हाँ लेकिन उससे हमें क्या, कहीं वो लोग ना आ जाए, जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करके भाग जाते हैं, रूल ब्रेक्स। चलिए चलिए, कुछ तो मरा है यार यहाँ पे, अभी गंद नहीं आ रहा, डर भी लगता है लेकिन क्या करें, वी आर हेयर टू एक्सप्लोर समथिंग। तो गाइस वी आर अभी अभी नियर द फॉल, कहीं वो लोग आना जाए, गा धो लेते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। आज इसको पानी के अंदर ले चलते हैं, आज ये पानी के अंदर जा चुका है। ओ मेरा चप्पल, मेरा चप्पल, पहन लेता हूँ। लेट्स गो अगेन, अभी हम लोगों ने चप्पल उतार लिया है, देखिए दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे आइएगा, लेकिन नहाना मना है आजकल, क्या करें, लेकिन हम लोग रूल ब्रेक कर चुके हैं। चलिए वापस चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पे,
क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अगर आ गए तो गाली पड़ेगी अपने को, गाली गाली जो अपन को बिल्कुल नहीं खाना। कुछ और खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन गाली नहीं खाना हमें। कुछ तो मरा है यहाँ पे, लेकिन बहुत गंद आ रहा है यहाँ पे। छी यार, लेकिन जो मर गया है उन लोग के लिए RIP, रेस्ट इन पीस। हम गा धो लिए, क्या ठंड लग रहा है मुझे अभी। आज मैंने पहली बार अपना GoPro पानी के अंदर डुबाया है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गाइस। मुझे लगता है यहाँ पे कोई किलिंग विलिंग हुआ है शायद, कुछ भी, लेकिन बहुत ख़राब गंद आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ए बीमार क्या, मेरा शर्ट दे दे भाई। बीमार से याद आया, मुझे सर्दी भी हो सकती है इस वजह से। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास GoPro है, वरना मैं आप सबको वाटर के अंदर ले जा नहीं सकता। मतलब मोबाइल होता तो नहीं ले जा सकता। उस दिन क्या हुआ, मैं जब बांदर फॉल में गया था तब मैंने बस केस लगा के रखा था, ये साइड वाला कवर नहीं लगाया, तो इस वजह से मेरे GoPro के अंदर पानी घुस गया, जो उसके बाद कुछ घंटों के लिए ऑन नहीं हुआ। फिर मैंने चार्ज लगाया, फिर कैमरे को एक घंटा ऑन रखा, तब अंदर में जो पानी घुसा था वो सूख के निकल गया, तभी जाके मेरा GoPro ठीक हो पाया। तो आप सब लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, अपने GoPro का पूरा वो लगाइएगा, क्या बोलेंगे, कवर लगाइएगा, फुल कवर, उसके बाद ही जाएगा पानी के अंदर। ओके, उस गंद की वजह से हम लोग सेल्फी भी नहीं ले पाए। मतलब जितना जल्दी हो सका मैं वीडियो बनाया फिर भाग लिए। देखिए कहीं किसी ने किलिंग विलिंग तो नहीं किया होगा ना, किलिंग करके कहीं साइड पे पत्थरों के बीच पे दफना दिया। ऐसा होने से तो वो आत्मा मेरा पीछा करेगा, क्योंकि हम ही हैं जो वहाँ पे गा धोया, मैं अकेला। एज यू कैन सी माई बैकग्राउंड विद दिस बर्मादारी। मेरे पास भी है, वाह। आज हम लोगों ने अलग ही एक्सप्लोरेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, मैं अकेला था। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है। अभी हम लोगों ने शर्ट लगा लिया है, आज अभी जा रहे हैं वापस, वापस जाएंगे घर में। यहाँ पे बहुत सारे तितलियाँ हैं जो मेरे GoPro में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो लोग एक जगह पे स्टिल नहीं रहते। And this, as you can look, this is पहाड़िया इलाका। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो नो बैकअप, ना ही यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना ही गैराज, कुछ भी नहीं मिलेगा आप सबको। इसलिए ध्यान से आइए, ध्यान से जाइए वापस। हम तो ठहरे डेयरिंग इंसान। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब अपने साथ सभी सेफ्टी वापस, मतलब सेफ्टी सामान ले आइएगा, तभी आप सब जो करना चाहते वो करने को पॉसिबल हो सकता है। मैं अभी आधा गीला आधा सूखा हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सप्लोर तो कर लिया ना हम लोगों ने। हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग वापस 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 वापस। चलिए, तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचा तानी ना करते हुए हम लोग ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड देखते रहिएगा, दिखाते रहिएगा एक दूसरे को दबिला बार के चैनल पे। ओके, टाटा बाय बाय।